स्पाई एक्शन कॉमेडी। ये मूवी का जॉनर ही इतना क्रिटिकल है कि इस पर एक अच्छी और बैलेंस मूवी बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने मूवी में कॉमेडी ज़्यादा कर दी तो आपके स्पाई और एक्शन वाले एलिमेंट को कोई सीरियसली नहीं लेगा और वो मूवी एक आउट एंड आउट कॉमेडी मूवी बन जाएगी। वही दूसरी तरफ अगर आपने कॉमेडी को कम करके सिर्फ स्पाई और एक्शन पे ध्यान दिया तो आपका सीधा कॉम्पिटिशन है जेम्स बॉन्ड या फिर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से। और डायरेक्टर के लिए ये दोनों सिचुएशन एक लूज लूज सिचुएशन है, क्योंकि ना तो वो एक आउट एंड आउट कॉमेडी मूवी बनाना चाहते थे और ना ही वो कम्पीट करना चाहते थे जेम्स बॉन्ड या फिर मिशन इम्पॉसिबल जैसे फ्रेंचाइजी को, क्योंकि उन दोनों फ्रेंचाइजीज का नाम इतना बड़ा है कि लोग सिर्फ उनके नाम से ही मूवी देखने जाते हैं। और इसी वजह से काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ बनती है जो कॉमेडी और स्पाई एक्शन को बैलेंस करते करते इतनी बिलो एवरेज हो जाती है कि वो बुरी तरह से पिट जाती है। तो हाल ही में एक ऐसी ही बिग बजट स्पाई एक्शन कॉमेडी मूवी रिलीज़ हुई है, तो चलिए जानते हैं उस मूवी के बारे में कि क्या वो मूवी अच्छा बैलेंस बनाती है या फिर बिलो एवरेज ही रहती है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई स्पाई एक्शन कॉमेडी मूवी अर्गाइल के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और इसे देखने का प्लान कर रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं देने वाला जो कि आपके मूवी देखने का मजा ख़राब करे। तो अर्गाइल मूवी का जो प्रीमाइस है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इसमें हमें स्टोरी दिखाई जाती है एली कॉनवे नाम के एक ऑथर की, जो कि अपने स्पाई नॉवल की वजह से काफ़ी फेमस है और उनकी ऑलरेडी 4 नॉवल्स पब्लिश हो चुकी है और वो चारों के चारों बहुत ही सक्सेसफुल हैं, और अब वो अपना 5वां नॉवल भी लिख रही है। इस ऑथर का कैरेक्टर प्ले किया है ब्रायस डैलस हॉवर्ड ने, और उनके परफॉर्मेंस के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और इनके जो चारों पब्लिश हुए हुए स्पाई नॉवल्स हैं उनकी ये खासियत है कि उनके नॉवल में जो स्टोरी है वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हो जाती है, और इसी वजह से जब वो अपना 5वां नॉवल लिख रही है तो उनके पीछे दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी लग जाती है, और यहीं से मूवी का एक्शन कॉमेडी और स्पाई एलिमेंट शुरू हो जाता है, जो कि आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बिना स्पॉइलर अगर बताऊँगा तो मैं आपके लिए मूवी की स्टोरी स्पॉइल कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि अब तक जितने भी मूवी के प्रमोशंस हुए हैं उसमें हेनरी कैवल को बहुत हेविली प्रमोट किया गया है। मूवी का आप ट्रेलर भी देखोगे या फिर पोस्टर्स भी देखोगे तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि पूरा फोकस जो है वो हेनरी कैवल पे है, और हेनरी कैवल को एज अ मेन स्टार मूवी का प्रमोट किया गया है। लेकिन मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हेनरी कैवल का मूवी में सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है। उससे भी मज़ेदार बात कि हेनरी कैवल का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम तो अर्गाइल ज़रूर है लेकिन वो एक्चुअल कैरेक्टर है ही नहीं, मूवी में भी वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। तो अगर आप हेनरी कैवल को देख के ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो आप अपने प्लान यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आप उससे डिसअपॉइंट ही होंगे। तो अगर मैं बात करूँ मूवी की स्टोरी और उसके स्क्रीन प्ले का, तो ज़्यादातर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जितनी भी स्पाई एक्शन मूवीज़ होती है उनका जो स्टोरी होता है वो थोड़ा सा ओवर द टॉप ज़रूर होता है। तो मैंने भी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ ये मूवी देखी कि मूवी की स्टोरी चलो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ी सी ओवर द टॉप होगी फिर भी चलेगा। लेकिन फिर भी ये मूवी मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर चली गई। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप है, और वही सेम चीज़ कहूँगा मैं मूवी के एक्शन के बारे में भी। मूवी का एक्शन थोड़ा सा भी रियलिस्टिक नहीं है, मूवी का एक्शन बहुत ही ओवर टॉप है, और इतना कि कई बार तो वो थोड़ा कार्टूनिश भी लग जाता है। और इतना ही नहीं, मूवी का बजट लगभग $200 मिलियन है, और इतने बजट में 4 डेडपूल मूवीज़ बन जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस मूवी का CGI देखोगे तो वो काफ़ी फेक लगता है। एक नॉर्मल यूज़र भी आसानी से स्पॉट कर पाएगा कि कौन सा सीन CGI है और कौन सा सीन रियल लोकेशन पे है। तो CGI और VFX के मामले में भी मूवी थोड़ी सी फीकी ज़रूर है। हाँ, लेकिन जो भी हमें दिखता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि काफ़ी सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन एट दी एंड वो फेक ही दिखता है। ये बात ज़रूर है कि मूवी के एक्शन डायरेक्टर ने एक्शन के मामले में कुछ नया ट्राई करने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन ओवर द टॉप एक्शन और ख़राब CGI की वजह से वो एक्शन सीन बहुत ही फेक लगते हैं और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब बात करते हैं मूवी के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, जिसके पॉइंट के ऊपर ही इस मूवी को सेल किया जा रहा है, वो है मूवी की कास्ट और उनकी परफॉर्मेंस। तो अगर आपने मूवी का ट्रेलर या फिर पोस्टर देखा है तो वही देख के आप इम्प्रेस हो जाओगे और मूवी देखने चले जाओगे। लेकिन यही मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि मूवी के मेन कास्ट में हमें हेनरी कैविल ज़रूर दिखाया जाता है, लेकिन मूवी की मेन स्टार है ब्रायस डैलस हॉवर्ड, और यही मैं इस मूवी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मानूंगा, क्योंकि वो इस रोल के लिए बिल्कुल मिसकास्ट है। वो किसी भी एंगल में वो इस रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और अगर आप मूवी का 25% का स्टार्टिंग का रन टाइम छोड़ दोगे तो रेस्ट 75% मूवी में वो बिल्कुल मिसकास्ट लगती है, मिसप्लेस लगती है। और आपको एक ही सवाल आएगा कि क्यों कास्टिंग डायरेक्टर ने इस एक्ट्रेस को हायर किया। हालांकि ऐसी बात नहीं कि एक्ट्रेस ख़राब है, लेकिन ये रोल उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो मूवी की मेन एक्ट्रेस ही अगर मिसकास्ट हो तो रेस्ट कास्ट से हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस मूवी में जो सपोर्टिंग कास्ट है, जो कि है सैम रॉकवेल और ब्रायन क्रैस्टन, उन्होंने अपने रोल में बिल्कुल फाड़ दिया है। वो दोनों अपने रोल में परफेक्ट है, और वही दोनों हैं जो इस मूवी को ऊपर बनाए रखते हैं।
अगर मैं बात करूँ पोस्टर में दिखाए गए बाकी एक्टर्स की, जैसे कि हेनरी कैविल, जॉन सीना, सैमुअल जैक्सन, सोफिया बुटोला, डुआ लिपा, ये सारे गेस्ट कैरेक्टर्स है और मुश्किल से 5 मिनट से ऊपर का रन टाइम इनको मिला होगा, तो इनके परफॉर्मेंस को हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कास्ट और उनके परफॉर्मेंस के मामले में मैं खाली सैम रॉकवेल और ब्रायन क्रैंस्टन को पूरे पॉइंट दूंगा, और वो दोनों ही हैं जो मूवी को एंटरटेनिंग बना के रखते हैं। मूवी का टोटल रन टाइम 140 मिनट का है, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट का, जो कि मेरे ओपिनियन में काफ़ी ओवर स्ट्रेच है। मूवी को आसानी से आधा घंटा कम किया जा सकता था एडिटिंग के थ्रू। तो फाइनली अर्गाइल मूवी के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि अगर आपके पास 140 मिनट का खाली समय है और उसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक स्पाई एक्शन कॉमेडी देखने में, जिसकी कॉमेडी तो ठीक ठाक है लेकिन एक्शन बहुत ही कार्टूनिश है, तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए। लेकिन वही, अगर आप मूवी के ट्रेलर, पोस्टर या फिर स्टार कास्ट को देख के मूवी देखने जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। और अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है। साथ ही में ऐसे ही किसी फन एक्शन कॉमेडी मूवी के अगर आपके पास सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।